ग्वालियर के बहुप्रतीक्षित न्यू एयरपोर्ट का लोकार्पण होने जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर ग्वालियर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहेंगे। 534 करोड़ की लागत से बने राजमाता विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट के लोकार्पण कार्यक्रम में लगभग 50,000 लोग शामिल होंगे। ग्वालियर के न्यू एयरपोर्ट को आधुनिक ता तो दी ही गई है, सांस्कृतिक स्वरूप भी दिया गया है। इस एयरपोर्ट में मुसाफिरों को ग्वालियर की सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत के दीदार होंगे। 534 करोड़ की लागत से कम समय में मध्य प्रदेश का सबसे भव्य एयरपोर्ट का लोकार्पण वर्चुअली देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी और वरिष्ठ लोग, राज्यपाल हमारे महामहिम पधार रहे हैं इसका एयरपोर्ट का लोकार्पण। पीएम नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के सबसे बड़े हवाई अड्डे ग्वालियर के राजमाता विजयराजे सिंधिया हवाई अड्डे का लोकार्पण करेंगे। इस एयरपोर्ट को अगर देखें तो बनाने के साथ ही इसमें सांस्कृतिक झलक भी देखने के लिए मिल रही है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक बड़ी पेंटिंग भी लगाई गई है जिसमें संगीत सम्राट तानसेन सहित ग्वालियर की जो धरोहरें रही है, प्रतिभाएं रही हैं, वो ग्वालियर वासियों के लिए ही नहीं मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी सौगात है। अब लोगों को इंतज़ार है कि पीएम मोदी वर्चुअली इसका शुभारंभ करें और उस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित तमाम करीब 50,000 से ज़्यादा लोग यहाँ मौजूद रहेंगे, तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ी सौगात है। सुशील कौशिक, न्यूज 18, ग्वालियर। इधर रतलाम में कांग्रेस को फिर से झटका लगा है। नामली नगर परिषद अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हो गए। उपाध्यक्ष समेत कई निर्दलीय पार्षद भी कमल का दामन थाम चुके हैं। बीजेपी प्रत्याशी अनीता चौहान ने इनका स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने इन्हें सदस्यता दिलाई है। आज पूरा नगर की पिछली बार धन्यवाद करना चाहता हूँ इस कार्यक्रम को सोचा सर आप। हाँ, इधर भोपाल में कांग्रेस नेताओं के भाजपा में शामिल होने के दौरान हंसी मजाक भी चलता रहा और ये हंसी मजाक चल रहा था संजय शुक्ला और कैलाश विजयवर्गीय के बीच। भाजपा में शामिल होने के दौरान विजयवर्गीय ने शुक्ला से कहा कि अब तक तेरी गालियां सुनी, अब तुझे पार्टी में लेकर आ रहा हूं। विजयवर्गीय की ये बात सुनकर शुक्ला मुस्कुराए, उनके पैर छुए तो विजयवर्गीय ने भी पीठ थपथपाकर आशीर्वाद दिया। गाली सुनी हो तेरे को ले रहा हूँ।